अरे लाल कहाँ चला गया था? कहीं नहीं माँ, भूख लगी थी, कुछ खाने को नहीं था, मैं फल खाने चला गया। वो नन्हा सा बालक तुम्हारे हाथों से निकल गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। क्षमा करें राजमाता, वो बालक कोई साधारण बालक नहीं है। विरूपा, मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी कि तू मृत्यु के लिए तड़पेगी, परंतु तुझे मृत्यु नहीं मिलेगी। मारुति, तुमने तो कहा था कि मैं फल खाने गया था, फिर क्या फल खाने में इतना समय लगता है? और ये तुम्हारी हनु पर चिन्ह कैसा? रावण महादेव को लंका ले जाना चाहता है और हम ऐसा होते हुए चुपचाप देख रहे हैं। किंतु देवराज, हम कर भी क्या सकते हैं? रावण ने दसों दिशाओं को दशानुओं से सुरक्षित कर लिया है। जामवन जी, मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि एक आप ही हैं जो मारुति के बारे में सब सच जानते हैं, इसीलिए वो सब आपको भी पता होना चाहिए। ब्रह्मा जी सारे देवों से कहते, बजरंग को तो सब वरदान, हनु के साथ में मान लगा तब बजरंग का नाम हुआ हनुमान। जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान। मारुति, हम इसके लिए लज्जित हैं। पवन देव, मैं आपके पुत्र को वरदान देता हूँ कि आज के बाद संसार के किसी भी वज्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका अंग वज्र के समान सुदृढ़ होने के कारण सब इसे बजरंग अर्थात बजरंग बली कहेंगे। जाने से पहले एक बात का वचन देना होगा। आज जो भी घटित हुआ और देवों ने तुम्हें जो भी शक्तियाँ दी, उसके बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। पिताजी, मैं ये सब किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, तुम जब तक ये नहीं बताओगे कि तुम कहाँ गए थे और तुम्हारे साथ क्या हुआ, तब तक हम तुमसे बात नहीं करेंगे।
कैसे मनाऊं अपने पिताश्री को? अब पवन पिता को ही हमें इस दुविधा से निकालना होगा। हे पिता पवन देव, ये कैसी दुविधा आन पड़ी है? मेरे पिताश्री मुझसे रूट गए हैं, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? आप तो जानते हैं ना गुरुजी, मैं निर्दोष हूँ। मैं पिताश्री की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। मैं अपनी विवशता उन्हें कैसे समझाऊं? आप ही आइए और बताइए कि मैं क्या करूं, कैसे मनाऊं अपने पिताश्री को? मैं कुछ भी सह सकता हूँ, किंतु मेरे माता पिता मुझसे रूठ जाए, ये मैं सह नहीं कर सकता पवन देव। महाराज केसरी, मारुति हमारे साथ था, हम इसे अपने साथ ले गए थे। पवनदेव, मारुति आपके साथ था, ये बात हमें मारुति ने बताई क्यों नहीं? केसरी जी, हमने ही मारुति को ना बताने के लिए कहा था और इस बात का वचन लिया था। किंतु पवनदेव, आपने ऐसा क्यों किया? क्या मारुति के साथ कुछ विशेष घटित हुआ? महाराज केसरी, बहुत सी घटनाएं सृष्टि चक्र से जुड़ी होती हैं, जिनका समय आने पर ही पता चलता है। यही सृष्टि का नियम है। किंतु पवनदेव, हम तो इसलिए चिंतित थे कि मारुति के थुड्डी पर चोट लगी। आप तो जानते हैं कि असुरों के कारण मारुति पर बार बार आक्रमण होते रहे हैं। केसरी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मारुति आपके सामने है और पूरी तरह कुशलता से है, फिर कैसी चिंता? मारुति पुत्र, हम आपसे रुष्ट नहीं हुए, जी, जब भी हमसे बात नहीं करते हो हमें बहुत दुख होता है। मारुति पुत्र, तुम्हें ही नहीं हमें और तुम्हारी माता को भी बहुत दुख होता है। मारुति, बहुत दुख होता है। ये तो हमें भी पता है पिताजी।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। इंद्रदेव, इस प्रकार बेचैन होने से कुछ नहीं होगा। रावण हठी है और महातपस्वी भी। यही तो चिंता सता रही है हमें। रावण महादेव को लंका ले जाना चाहता है और हम ऐसा होते हुए चुपचाप देख रहे हैं। किंतु देवराज, हम कर भी क्या सकते हैं? रावण ने दसों दिशाओं को दशानुओं से सुरक्षित कर लिया है और उनके रहते कोई कुछ नहीं कर सकता। नारायण नारायण। किंतु देवर्षि, रावण को रोकने का कोई तो उपाय निकालना ही होगा। इंद्रदेव, रावण महादेव को अपने साथ लंका केवल इसलिए ले जाना चाहता है ताकि वो मारुति की सच्चाई जान सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि मारुति पवन देव के पुत्र हैं, इसलिए रावण को रोकने का कार्य आप पवन देव को सौंप दें, क्योंकि एक पिता अपने पुत्र की रक्षा करना भली भांति जानता है। नारायण नारायण। आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि, रावण को रोकने का कार्य पवन देव को ही सौंपना होगा, क्योंकि एक पिता अपने पुत्र की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। नारायण नारायण। हे पिता ब्रह्मादेव, आपने इस धरती पर मुझे जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा था, उसे पूरा करने का प्रयास मैं कर रहा हूं। किंतु पिताजी, कभी कभी मैं मारुति के बाल लीलाओं को समझने में असमर्थ हो जाता हूं। ऐसे में कभी कभी कुछ अड़चनें उत्पन्न हो जाती हैं। हे पिताजी, आप मुझे शक्ति सामर्थ और विश्वास दीजिए ताकि मैं अपने कर्तव्यों को निभाने में समर्थ हो सकूं। पवन देव, आप यहां इस समय? जामवन जी, मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि एक आप ही हैं जो मारुति के बारे में सब सच जानते हैं। मारुति के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके द्वारा भविष्य की बड़ी बड़ी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वो सब आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में आप सदा मारुति के साथ रहने वाले हैं। जैसी आप देवों की इच्छा होगी वैसा ही मैं करूंगा। इसीलिए मारुति के साथ क्या क्या हुआ वो आपको बताने आया हूं। मारुति सूर्य देव को फल समझकर खाने के लिए उड़ गया था। क्या कह रहे हैं आप? मारुति ने सूर्य को फल समझ लिया? ये उसकी अज्ञानता थी या फिर कोई लीला? सत्य क्या है ये तो वो ही जाने। हम तो अनुमान के आधार पर इतना ही कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी जन्म लेता है, उसे सुख दुख भूख प्यास आदि सहन करना ही पड़ता है, और जब भूख
अधिक तीव्र हो जाती है तो प्राणी अपना विवेक भूलकर उसे मिटाने के लिए कुछ भी करता है। ये तो आप सत्य कह रहे हैं। फिर क्या हुआ मारुति के साथ? भूख इतनी तीव्र लगी थी मारुति को कि वो अपनी सुध-बुध खोकर सूर्य की ओर बढ़ा चला जा रहा था। तुम्हारे हनु पर प्रहार हुआ था, अतः आज से तुम इस संसार में हनुमान के नाम से विख्यात होगे। घोड़ी या दाढ़ को कह दे हनु, हो बजरंग के हनु का गुणगान। ब्रह्मा जी सारे देवों से कहते बजरंग को तो सब वरदान। बड़े बड़े काम बजरंग करेंगे, देवो बढ़ाओ बालक कमान। हनु के साथ में मान लगा तब बजरंग का नाम हुआ हनुमान। जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान। अंजन प्रदेश की सारी सुहागन नारियों, जैसा कि आप जानते हैं कि चार दिन के बाद वट अमावस्या है और मैंने आप सबको इसीलिए बुलाया। हम इस बार भी हर वर्ष की तरह इस पूजा को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। वट वृक्ष की पूजा करने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है और हमारे पति पर आने वाले संकट समाप्त हो जाते हैं। हम सब स्त्रियां ये व्रत साथ में करेंगी और कथा भी सुनेंगी। तो आप सब चार दिन के बाद पूजा की तैयारियां करके वट वृक्ष के नीचे पहुंच जाइए।